तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मेंदू वड़े की रेसिपी। और ये रेसिपी आपने आज से पहले कभी नहीं ट्राई की होगी, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पी मेंदू वड़ा हम तैयार करेंगे, वो भी बनाएंगे पोहा से। बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनकर तैयार होता है। उसके लिए आपको देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप पोहा। 1 कप पोहे से ढेर सारा हमारा नाश्ता बनकर तैयार होगा, तो वीडियो को प्लीज़ फॉलोअर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं। तो देख सकते हैं 1 कप मैंने पोहा ले लिया है। अब ले लेते हैं मिक्सी का जार, उसमें हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो मिक्सी के जार में आप इसे सारे पोहे को ऐड कर लीजिएगा। अच्छे से हमें इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है, जिससे हमारा नाश्ता बने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। तो देखिए पाउडर मैंने तैयार कर लिया है, मैं हाथों में आपको दिखा दे रही हूँ। देख सकते इस तरीके का फाइन पाउडर होना चाहिए। एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमने डाल दिया है हमारे नाश्ते को क्रिस्पी चटपटा बनाने के लिए 2 चम्मच चावल का आटा। आप चाहें तो मैदा भी यूज कर सकते हैं, या फिर ना हो तो गेहूं का आटा भी ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने चावल का आटा यूज़ किया है, मेरे घर में था फ्रेंड तो मैंने यूज़ कर लिया है। इसमें हम 2 चम्मच दही ऐड कर देंगे, जिससे हमारा नाश्ता और भी ज़्यादा चटपटा बनकर तैयार हो। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है फ्रेंड, बिल्कुल नया तरीका है, एकदम चटपटा सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें ले लिया है सबसे पहले 1/2 कप पानी। तो थोड़ा थोड़ा पानी हम डालकर इसका पेस्ट तैयार करेंगे, क्योंकि हमें इसके ज़्यादा गीला बिल्कुल भी नहीं करना है। तो एक साथ आप पानी का यूज़ मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहिएगा। चाहे पानी फ्रेंड कम लगे या फिर ज़्यादा लगे, लेकिन अपने अकॉर्डिंग आप पानी यूज़ कीजिए। तो थोड़ा थोड़ा देखिए मैंने पानी ले लिया था, तो 1/2 कप मैंने पानी लिया था, 1/2 कप मैंने और ले लिया है। जो दही मैंने छोटे से कटोरी में लिया था ना, उसका भी इसमें मैं डाल देती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका अच्छे से पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। तो देख रहे हैं काफ़ी अच्छे से तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर टोटल मैंने 1 कप पानी का यूज़ किया है। तो दे सकते हैं इस तरीके से, अब अच्छे से इसे हम मिला लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया परफेक्टली हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा नाश्ता बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बन पाएगा जिस तरीके से हमें बनाना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा। अच्छे से पेस्ट तैयार हो चुका है, देखिए 1 कप पानी का यूज़ हुआ है टोटल। अब इसे 5 मिनट के लिए रख देते हैं रेस्ट के लिए। उसके बाद देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये तैयार हो चुका है। तो देख रहे हैं बिल्कुल सूखा हुआ है, जैसा हमें चाहिए था। अब इसमें हम कुछ चटपटे से वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, जिससे ये नाश्ता हमारा और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखिए 1 इंच अदरक को ग्रेटर से ग्रेट कर लिए हैं। साथ ही इसमें ऐड कर लेते हैं 2 हरी मिर्च। तो तीखे के अनुसार आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पे दे सकते हैं फ्रेंड, मैंने यहाँ पे 1 गाजर को बारीक कट करके ले लिया है। गाजर का सीजन तो फ्रेंड जाने वाला है, अगर आपके पास गाजर हो तो डालिए, अगर ना हो तो स्किप कर दीजिएगा। इसमें कोई भी वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हैं अपने मनपसंद की। तो यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज का ऑनियन भी चॉप करके ले लिया है। साथ ही इसमें डाल देते हैं हरा धनिया, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल देते हैं, इससे बहुत ज़्यादा चटपटा फ्लेवर का आ जाता है। 1/2 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को देखिए अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च मैंने पाउडर डाल दिया है, ताकि थोड़ा सा स्पाइसी बनकर तैयार हो, साथ ही स्वाद अनुसार नमक। अब अच्छे से हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, तो बहुत ही बढ़िया सा डो बनकर तैयार हो जाता है। और एकदम सूखा सूखा सा है, देख सकते हैं, ज़्यादा गीला हो जाता तो हमारा पेस्ट बन नहीं पाता फ्रेंड, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर यूज़ किया था। तो मैं एक टिप्स देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से आपको रेसिपी खाना पसंद हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल नए नए तरीके की डिफरेंट सी रेसिपी आपको मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो देख सकते हैं फिर इसी तरीके से हमें छोटे छोटे बॉल्स पहले ले लेने हैं, उसके बाद इसमें देखिए मेंदू वड़े के शेप में हमें तैयार कर लेना है। इस तरीके से नाश्ता हम बनाएंगे ना, तो अंदर तक अच्छे से ये कुरकुरा सा क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। इसलिए मेंदू वड़े के शेप आप ज़रूर बनाइएगा, चाहे तो इसे फ्लैट करके भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बहुत ज़्यादा कुरकुरा बनकर तैयार होगा। इसी तरह देखिए मैं सारे मेंदू वड़े को फटाफट से तैयार कर लूँगी। देख सकते हैं कितना जल्दी और झटपट ये बनकर तैयार भी हो जाएगा। जब भी घर में आपको कुछ चटपटा सा स्पेशल सा खाने का मन हो, तो फटाफट से ये रेसिपी आप बनाकर उन्हें इंजॉय करवा सकते हैं। मेहमान घर पर अगर अचानक में आ गए तो इस तरीके से आप नाश्ता भी बनाकर फटाफट से इंजॉय करा लीजिए, बहुत ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार भी होती है।
अब यहाँ पे देखिए गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है और तेल हमारा हाई टेम्परेचर पे गर्म होना चाहिए। उसके बाद इसे हम डाल देंगे और इसे डालने के बाद हम लगभग एक मिनट के लिए ऐसे रख देंगे। अब गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर लिया है। अब अच्छे से इसे हम पलट लेंगे, दे सकते हैं इस तरीके से अच्छे से क्रिस्पी होने तक इसे हम पलटते पलटते हुए फ्राई कर लेते हैं। ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। जो बाहर के मेंदू वड़े मिलते हैं ना उड़द दाल के, उससे भी ज़्यादा बढ़िया ये बनकर तैयार होते हैं। तो देख रहे हैं कितना ज़्यादा चटपटा बनकर तैयार हो रहा है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा हेल्थी और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है। पोहा का है जो बाहर के बच्चे बातचीत करते रहते हैं कुछ न कुछ खाने के लिए, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के नाश्ता बनाकर उन्हें दे सकते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट और एकदम अच्छे नए तरीके से बनाकर हमने तैयार किया है। तो मेरी आज की रेसिपी ये कैसी लगी इसे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। ये बिल्कुल मेरी प्रिपरेशन है, तो प्लीज़ हमें फीडबैक जरूर दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी आपको आज की कैसी लग रही है। तो इसी तरीके से नए नए वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाते रहती हूँ फ्रेंड। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही नए नए नाश्ते की रेसिपी आप लोगों के लिए ला सकूं और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नोटिफिकेशन का बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। तो यहाँ पे दे सकते हैं इसका क्रिस्पी दिखा दे रही हूँ, कितना ज़्यादा क्रिस्पी चटपटा बनकर तैयार हुआ है। दे सकते हैं कितने अच्छे से क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी बनकर तैयार होता है ये नाश्ता। आपको बनाने में मात्र 10 मिनट लगने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्लेवरफुल तैयार होता है। तो लग रही है ना बिल्कुल क्रिस्पी सी चटपटी सी ये रेसिपी। तो प्लीज़ फ्रेंड जरूर बनाएं, फिर हमें फीडबैक में बताइएगा। तो रेसिपी आज की कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।